हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं प्याज का पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, जिसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं 500 ग्राम के लगभग मैंने प्याज लिए हैं। छोटे छोटे प्याज को मैंने कट कर लिए स्लाइस के रूप में। ये चावल है जिसको मैंने रात भर फूलने के लिए रखे हैं। इसकी पानी मैं निकाल लूँगी। इधर आप देख सकते हैं ये काली मिर्च है, 6-7 काली मिर्च, जीरा आधी चम्मच के लगभग, लहसुन की 6-7 कलियाँ, हरी मिर्च 3-4 मैंने लिए हैं। अब सबको मैं ग्राइंडर जार में डाल करके, आप देख सकते हैं ग्राइंडर जार में चावल को और इन सबको सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल करके आप मिक्स करें। जब मैं मसाले डालूंगी उस समय आपको मैं बताऊंगी कितना मसाला डालना है और बेसन का भी इंग्रेडिएंट्स आप लोग को बताते। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चावल के को ग्राइंड कर लिए हैं। उसमें लहसुन अदरक ले आप स्किप भी कर सकते हैं, लहसुन सब कुछ डाल करके इसमें काली मिर्ची सब 100-200 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे मैंने बेसन लिए हैं, उसे भी ऐड किए क्योंकि पकौड़ी बनाना है तो इसमें बेसन का ज़रूरत पड़ेगा। 1 चम्मच के लगभग सब्जी मसाले लिए हैं और इसमें जितने ये जो पीसे हुए थे ग्राइंड किए हुए चावल, इससे खस्ते अधिक बनते हैं पकौड़ियाँ। इसमें आप 1 चम्मच के अलावा छोटी चम्मच से आप नमक ऐड कर लें और इन सब हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के अलावा ऐड कर लें और सबको मिला करके आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने गरम मसाले का भी यूज किया है। देखिए उन सबको मिलाते हुए इसे अच्छे से ऐसे करके मिला के ग्रीन चिली भी मैंने 2 डाले हैं, देख सकते हैं। इसको छोटे छोटे कट कर लें और इसे डाल लें। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इधर मैंने तेल चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इन सबको मिला लिए हैं और छोटी छोटी मैं इस तरह की पकौड़ी बना चुकी हूँ। देख सकते हैं आप इसी तरह से सारे पकौड़ियाँ बना लें। आप तेल भी चेक कर सकते हैं, एक डाल करके आप तेल चेक कर, तेल पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं। आप इसी तरह से गर्म कर लें और धीम फ्लेम कर दें। तेज रखेंगे तो अच्छे रहने का डर है, इसके धीम फ्लेम पर कर लें। तेल करके अच्छे से गर्म हो चुके हैं। आप इसी तरह करके तेज फ्लेम करके तेल गर्म कर लें। उसके बाद में आप लो फ्लेम करके उसे इसी तरह से आप करते हैं। इस तरफ से गुलाबी हो जाएगी तब उसकी तरफ से आप पलट करके देख लें। बिल्कुल कम टाइम में रिंझी चावल की बारिश में आप ये नाश्ता बना इसी तरह में और लो। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पिंक हो चुके हैं। आप इसी तरह से उलट पलट करके देख सकते हैं। इस तरह से ये जो आपको तेल में झाग जो दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने घर का सरसों का तेल है, इसलिए इसमें तुलसी चार है। देखिए इस तरह से आप भी इसे सब एक प्लेट में निकाल लें, एक एक करके निकाल लें। देखिए आप सर्व कर सकते हैं इसी तरह से। हमें ये सारा प्रोसेस धीमे फ्लेम पे ही लीजिए। गर्मा गर्म पकौड़ियाँ प्याज की तैयार है। आप इसे चाय के साथ नाश्ते में दे सकते हैं सुबह या शाम के, और आप इसे गर्म सावन की रिमझिम बारिशों में इसका लुफ्त उठाएँ, मज़ा उठाएँ। प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाएं। इसे और कैसा बनाए करारी पकौड़ियाँ, इसे लोग प्याज की पकौड़ियाँ भी, और आपके तरफ क्या इसे कहा जाता है आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। और सॉरी कल के लिए, क्योंकि कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई नेट की प्रॉब्लम के कारण। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी बहुत सारी रेसिपी रखी है, उसको आप लोग प्लीज़ देखिए और मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।